हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। यह है मॉर्निंग का व्यू जो कि आप देख सकते हो। आसमान कहीं कहीं पर क्लीन हुए हैं और ज़्यादातर बादल छाए हुए हैं। और आज जा रहे हम सफ़र की ओर, तो आप भी हमारे साथ चलिएगा और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। अब हो गई हूँ मैं रेडी, अब चलते हैं सफर की ओर। चलो चलते हैं अब। ठीक ठीक और यहाँ पे जा रही है पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा पानी निकलता है, प्राकृतिक स्रोत है और एकदम नेचुरल पानी है। अब आगे ये पानी भरने हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है। यह है तहसील और आसपास का व्यू देखिए आप, काफ़ी मस्त है। कंपाउंड में देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं। सामने है नीम का पेड़ और वहाँ पे है पीपल का पेड़, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और यह है देवप्रयाग का ट्रेजरी ऑफिस और यहाँ पर है मोरपंखी का पेड़ और यहाँ पे एक शीशम का पेड़ भी लगा हुआ है, भी बहुत छोटा है। ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ होती हैं शीशम की। और यहाँ से देखिए व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है। और सामने देखिए संस्कृत विद्यालय है और वो है बा बाजार। ये पौड़ी ज़िले में आता है, जहाँ हम खड़े हैं ये टिहरी गढ़वाल है। तो यहाँ से भी संगम का रास्ता है देवप्रयाग का, यहाँ से भी निकलते हैं लोग। फिर मार्केट का है, कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं। और ये है अशोक का पेड़ ये सामने। और ये देखिए हल्दी, हल्दी है उधर, अरबी है। प्रयाग का रजिस्ट्रार ऑफिस और यहाँ पे देखिए आराम के लिए चेयरें भी लगी है रास्ते रास्ते पे, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं बा बाजार का। और सामने है ऋषिकेश हाईवे, ये आपको दिख रहा होगा। और ये है बा बाजार। सामने दिखाई दे रहा है यह है धर्मशाला व्हाइट कलर का।
काफ़ी गजब का नज़ारा है, देखिए आप लोग, काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ का। और ये देखिए मेहंदी का पेड़, मेहंदी का पेड़ इस तरह से होता है मेहंदी का पेड़। शिव का मंदिर, ये है बड़ का पेड़। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है हमारे देवप्रयाग का। और सामने देखिए अलकनंदा नदी, और उधर से भागीरथी आ रही। तो यहाँ पे संगम होता है दो नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी का। और आगे चलकर ये गंगा बनती है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है देवप्रयाग का, देखिए। कि इस पेड़ पे कितनी ज़्यादा दीमक लगी हुई, पूरा पेड़ इसने खोखला कर दिया, पेड़ भी पूरी तरह से सूख गया है। और सामने है पुर्णेश्वरी माता का मंदिर, ये देखिए। तो माता पुर्णेश्वरी से कामना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें माता रानी। कितनी बड़ी पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पे तहसील पे, तो आपको दिखाते हैं। काफ़ी प्लेस है यहाँ पे, एकदम खुला खुला सा। और सामने है प्राइमरी स्कूल देवप्रयाग का, तो आपको दिखाते हैं आगे, तो आप हमारे साथ चलिए। और ये देवप्रयाग का प्राइमरी स्कूल है, कितना नीट और क्लीन है आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और सफाई तो क्या बताएं आप, ये आप देख ही सकते हो, एकदम नीट एंड क्लीन। और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे हैं। कितनी अच्छी सफाई रखी हुई है, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए, और आसपास काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पे कूड़े के लिए डस्टबिन भी रखा हुआ है, तो देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन कहीं भी कूड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और देखिए काफ़ी मस्त व्यू है। कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर हैं यहाँ पे। बहुत छोटी सी बिल्ली आई हुई, और उमस भरी गर्मी हो रही है, तो मैं पेड़ की छांव में आ गई हूँ। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, काफ़ी सुकून मिल रहा है मुझे। ये अब सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए डिग्री कॉलेज वाले हैं ये बच्चे, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट। इस तरह का ड्रेस है यहाँ पे। और ये है फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस, देखिए कितना सुंदर है, बहुत पुराने समय का है, तो कितने अच्छे से बना हुआ है ये टीन सेट। नीचे पक्का है, ऊपर टीन डली हुई है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पूरा, ये जंगलात का एरिया है। और हमारे साथ हमारे भाई साहब यानी हमारे जेठ जी भी हैं।
ये देखिए हम पहुंच गए तीन धारा में। अब यहाँ पे स्टॉप ले लिया हमने ब्यासी में, तो यहाँ चल रहे हैं होटल के अंदर, देखते हैं क्या बना हुआ है क्योंकि खाना नहीं खाया हुआ हम लोगों ने। यहाँ पे आया है मेन्यू, देखते हैं क्या क्या है इसमें। और यहाँ पे आ गई है खाने की प्लेट, तो ये भाई साहब ले रहे हैं खाना और हम दोनों ने मंगाई है मैगी। और देखिए भाई यहाँ पे भी आ गई हमारी मैगी एकदम गरम। देखिए गर्मा गर्म मैगी आ गई है, तो टेस्ट करते हैं कैसी बनी हुई है। और यहाँ पे ये भी मैगी खा रहे हैं, मैगी बड़ी टेस्टी हो रही है। काफी टेस्टी बनी हुई है मैगी। ये नारियल पानी लेके आ गए मुझे, थैंक यू जी, थैंक यू। पी रही हूँ मैं नारियल पानी। अब होगा अंदर का पहुंच के हम अपने डेस्टिनेशन में, और ये है सामने घर, ये है डोई वाला, तो यहाँ से व्यू देखिए आप। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम यहाँ किस लिए आए हैं वो आप अगले वीडियो में देखना।